अक्सर लोग घरों में पौधे हरियाली और सुख समृद्धि के लिए लगाते हैं क्योंकि प्लांट्स को लगाने से घर में सकारात्मकता आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जाने अनजाने आपके यूं ही घर में पौधे लगाने से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो कौन से वो पौधे हैं जिन्हें लगाने से आपको मिल सकते हैं अशुभ परिणाम, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर आपकी भी तो आवाज है, आवाज 24/7। वैसे तो खजूर का पेड़ दिखने में काफी अच्छा लगता है और इसका फल भी स्वादिष्ट होता है, लेकिन घर में इसे लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में ये पेड़ लगा होता है वहाँ हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। जिस तरह खजूर का पेड़ लंबा होता है उसी तरह इसे घर में लगाने से मुसीबतों की लिस्ट भी लंबी हो जाती है। ऐसे घरों में अक्सर कोई ना कोई विपत्ति आती रहती है। घर में कभी बांस का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हिंदू धर्म में बांस को महज मृत्यु के समय इस्तेमाल करने योग्य माना जाता है। ऐसे में इसे घर में लगाने से अशुभता आती है। जिन घरों में बांस का पेड़ लगा होता है वहां कभी भी आर्थिक संपन्नता नहीं होती है। यहां रहने वाले लोग अक्सर कर्ज में डूबे रहते हैं। बांस का पेड़ घर में होने से लड़ाई झगड़े भी बढ़ जाते हैं। बेर का फल खाने में भले ही बेहद स्वादिष्ट लगता हो लेकिन इसका पेड़ घर में लगाना किसी मुसीबत को दावत देने से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बेर के पेड़ में लगे कांटे इसे उलझा हुआ बनाते हैं इसी तरह इसके घर में रखने से नकारात्मकता भी आती है। बेर के पेड़ को लगाने से न सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है बल्कि इससे घर में पैसा भी नहीं दिखता है और माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ऐसा भी माना जाता है कि घर में बोनसाई का पौधा लगाना अशुभ होता है। हालांकि फेंग शुई के अनुसार ये शुभता का प्रतीक होता है, लेकिन हिंदू शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार बोनसाई का पेड़ घर में लगाने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि बोनसाई का पौधा नकारात्मकता को बढ़ाता है, इससे घर में परेशानी आने लगती है, लोग अस्वस्थ हो सकते हैं और उनके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। घर में कभी इमली का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। ऐसे घरों में भूत प्रेत और बुरे सायों का वास होता है। जिन घरों में इमली का पेड़ लगा होता है वहाँ रहने वाले लोगों की कभी तरक्की नहीं होती है, इससे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कैक्टस का पौधा भी घर में लगाना अशुभ माना जाता है। कैक्टस का पौधा लगाने से घर में धन नहीं टिकता है, इस वजह से आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं। इसलिए अगर आपके घर में कैक्टस लगा हो तो उसे तुरंत हटा दें, वरना परेशानियों से जूझते ही रहेंगे और कभी भी बरकत नहीं होगी। पीपल का पेड़ भी बिल्कुल घर में न लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पीपल का पेड़ लगाना अशुभ होता है। पीपल का पेड़ घर में होने से धन की हानि होती है और मनुष्य पाई पाई का मोहताज हो सकता है। इसलिए अगर आपके घर में पीपल का पेड़ लगा हो तो उसे किसी मंदिर में लगा दें। जानकारी के लिए बता दें कि जो व्यक्ति पीपल की एक डाल भी तोड़ता या काटता है उनके पितृ को कष्ट झेलने पड़ते हैं और वंश वृद्धि करने में बाधा आती है। वैसे पूरे विधि विधान और नियम के अनुसार पूजन या हवन आदि करवाने के बाद क्षमा मांगकर पीपल की लकड़ी काटी जाए तो दोष नहीं लगता है। वहीं पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करता है उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं, साथ ही शत्रुओं का नाश भी होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से ग्रह दोष बाधा भी शांत होती है और काल सर्प दोष पितृ दोष शांत रहते हैं। पीपल का पेड़ बिल्कुल भी घर में ना लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पीपल का पेड़ लगाना अशुभ होता है। पीपल का पेड़ घर में होने से धन की हानि होती है, इसलिए अगर आपके घर में पीपल का पेड़ लगा हो तो उसे किसी मंदिर में लगा दें। कटहल का पेड़ भी घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं इस पेड़ की वजह से परिवार के लोगों में दरार आने लगती है, इसे घर से दूर ही लगाना चाहिए। गुलर का पेड़ भी घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। इस पेड़ को घर के पास लगाने से दरिद्रता आती है और व्यक्ति में बीमारियों का घर बन जाता है। मान्यता ये भी है कि घर के उत्तर दिशा में दूर गुलर का पेड़ लगाने से आँख से जुड़ी बीमारियाँ दूर होती है। दोस्तों, ये जानकारी सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। इस पर पूर्ण विश्वास करना या न करना आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है, या फिर आप इसके लिए किसी विश्वसनीय जानकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवाज 24/7 इस जानकारी की पुष्टि नहीं करता है, ये केवल सामान्य मान्यताओं पर ही आधारित है।